पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ मिलाकर भारत आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फलस्वरूप पठानकोट में आतंकी हमले की सौगात मिली। इस हमले के विरोध में युवा कांग्रेसियों ने रविवार शाम मशाल जुलूस निकालकर बजरंगढ़ चौराहे पर नवाज शरीफ का पुतला फूंका और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने बताया कि गत शनिवार को हुए आतंकी हमले में पठानकोट एयरबेस पर तैनात भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। युवा कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि उपहारों का आदान प्रदान बंद किया जाए, नवाज शरीफ से हाथ मिलाने के बजाय उसे कड़ा जवाब दिया जाए। आज भारत का हर नागरिक दिलासा नहीं इंतकाम चाहता है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के अधिकारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दगा ही दिया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में सबा खान, यतीश सत्रावाला, कशिश बायला, पप्पू कुरेशी, मुबारक अली, संजय सोनी, अमनदीप सलूजा सहित अनेक लोग मौजूद थे। विजय स्तंभ के ऊपर यहाँ पे हम लोग आज नवाज शरीफ का पुतला जला रहे हैं। मोदी जी, अब आप ये जो दिखावा है, जो आपने झूठे वादे किए थे, वो बंद करें। जो उपहारों का आदान प्रदान बंद करें, ये हाथ में हाथ मिला करके चलना नवाज शरीफ के, ये बंद करें। हमारे जवान भारतीय जो शहीद हुए हैं, वो सिर्फ न केवल इसलिए हैं कि उनकी शहादत ली जाए। हमारी पुरजोर अपील है, नए साल पे जो पाकिस्तान ने हमें सौगात दिए, उसको सूद समेत वापस लौटाएं।